बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िश बना रहे हैं, फ्राई फ़िश। ये है सुरमई मच्छी। तो सुरमई मच्छी हमने ली है 1 किलो, ठीक है। 1 किलो मच्छी ली है और हम इसको साफ़ सुथरा सा करके धो के इसको बिल्कुल तैयार करके रखा है। अब हम इसको नमक लगाएंगे। नमक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नमक लगा के रख लेते हैं, फिर तमाम चीज़ें हम बाद में बताएंगे। बेसन और इमली की चटनी भी बनाना सिखाएंगे, वो हम बाद में बताएंगे। मैं नमक लगाने का आपको तरीका बता दूं कि नमक जो है ना, हम फिर ज़्यादा ना लगा लेना। उसका तरीका ये है कि ये प्लेट ली आपने, ठीक है, इसमें तकरीबन 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच हमने नमक लिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये पानी हमने डाला, तकरीबन 1/2 कप हमने पानी डाला है। तो पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स किया, नमक थोड़ा घुल गया, क्योंकि इस तरीके से नमक जो है ना अच्छी तरह अंदर तक वो जज्ब हो जाएगा फिश को। वरना हम क्या करते हैं, नमक हम जब बिल्कुल ये सूखा सूखा हम नमक लगाएंगे ना, किसी जगह पे तेज़ लगेगा, किसी जगह पे कम लगेगा, और कई मरता तो कई जगह से फीकी फीकी लगेगी। तो ये तमाम जगह पर ये नमक पहुँच जाएगा इसको। अब हम क्या करेंगे, नमक अच्छी तरह घोल लिया मैंने, क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिश डिबोई, ये किया, ये किया, बस इस तरह करके 2-3 मरतबा यहाँ पे रख दें, ठीक है। ये नमक लगा लगा के हम जब रखेंगे ना, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको आधे घंटे तक नमक लगा के इसी तरह ये तमाम पानी जो है ना ये फिश में हम यूज़ करेंगे। जैसे हम देखें आखिर में जब ये थोड़ा बहुत पानी बच जाएगा ना, तो फिश के ऊपर ही उंडेल देंगे। ये तमाम फिश में पानी इस तरह लगाना है, नमक डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। ये मेरी मम्मी ने मुझे तरीका बताया कि पानी जो है ना लगा के करोगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी वालदा ने मुझे बताया अभी। वरना मैं नमक भी लगा लेती तो फिर उसको फिर जल्दी धोना पड़ता है ना, जैसे नमक बहुत तेज़ हो जाता है तो उसको फिर 15 मिनट में धोना पड़ेगा। ये ज़रा आधा घंटा लगी रहेगी ना, और ठहर भी जाएगी, ये बिल्कुल टूटती है नहीं तो बोटी। चलो आई। और ये सुरमई मच्छी है, बहुत मज़े की और लजीज बनेगी इंशाल्लाह। हम बनाते हैं इसको, तमाम को ना नमक का पानी लगा के हमने ये देखें रखते जाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये इस तरह। अभी लास्ट में आप देखेंगे ये, दोबारा ऐसे चितार दे कि ऐसा रहा ना, हाँ, ताकि डुबिया रहेगा ना पानी नमक का। हाँ, ये भी गल सही है, उन्हें तो ऐसा करके वो तो अलग अलग करने ही सी ना। अच्छा, उन्हें तो क्या करना है, ये चलो ये देखिए, ये पानी है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा फेंक के इसके ऊपर, बस अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं और यहाँ से ये चीज़ें हटा लेते हैं। अच्छा, नमक लगा के हमने फ़िश को तैयार कर लिया, मतलब रखा हुआ है। अभी हम इसको बाद में धोएंगे, जब तक हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इमली की चटनी के लिए हमने क्या किया कि हमने इमली का पल्प गूदा लिया। गूदा कैसे बनाना है, इमली लेनी है आपने तकरीबन 1 पाव या आधा पाव ले लें, लेकिन आपने उसका गूदा जो है ना वो 1.5 कप के बराबर आपने निकालना है। 1.5 कप उसका पानी डाल के ना, तो 1.5 कप जितना आपने गूदा निकालना है। ये देखिए, ये गूदा तैयार है, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून ये कुटी हुई मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, और ये नमक है, नमक भी 1/2 टीस्पून, ठीक है। और ये लहसुन पाउडर मैंने आपको सिखाया था ना, ये 1/4 टीस्पून है, यानी कि थोड़ा सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं। और ये है 1 टीस्पून चीनी। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी के लिए, ठीक है। ये इमली की चटनी के साथ हम फिश खाएंगे और बहुत ही लजीज तरीके की ये इंशाल्लाह बनेगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब ये है हींग पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर डाल दें इसमें, तकरीबन मेरे ख्याल में 1/4 टीस्पून जितना, बस। अगर आप चाहें, अगर पाउडर नहीं है तो आप गीली वाली हींग भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी चटनी इमली की तैयार होगी, खट्टी मीठी सी, इतनी खैर मीठी नहीं होगी लेकिन मज़े की, बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अभी से।
तो इसको तैयार करके हम एक साइड पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया तैयार, ये फिश को लगा दिया नमक, ये हो गई चटनी तैयार। अब हम तीसरे उसमें आते हैं तरीके में। अब क्या करना है, फिश को कैसे फ्राई करना है। बेसन लिया मैंने 125 ग्राम, ठीक है, 125 ग्राम बेसन है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, ठीक है, कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। उसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे, बिल्कुल जैसे 2 चुटकी के बराबर हमने अजवाइन ली है, और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है। ये अच्छा, नमक नहीं जाएगा इसमें, नमक हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे बेसन में, नमक हम ऑलरेडी फ़िश को लगा चुके हैं, हमने बिल्कुल कड़वा जहर की तरह नमक नहीं करना, जैसे अक्सर लोग फ़िश को भी लगाते हैं फिर बेसन में भी लगाते हैं, नहीं, बेसन को नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करके थोड़े से पानी के साथ इसका बैटर तैयार कर लेना है। बिस्मिल्लाह। और बस इसको जो है ना हम डीप फ्राइंग करेंगे बड़ी सी कढ़ाई में लेकर उसको, फिश को, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ फ्राई करने का तरीका। आहिस्ता चूल्हे पे करना है फ्राई, ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे जो है ना हमने नहीं फ्राई करना, वो तेल भी अच्छा खासा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे ना वो बड़े मज़े की क्रिस्पी सी फिश तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए हमने पानी मिक्स करके तकरीबन हमने ये गिलास तकरीबन 1 कप हमने पानी ऐड करके इसका पेस्ट सा बना लिया, ठीक है। इसकी अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, ठीक है। अब ये हो गया तैयार, अब हम क्या करेंगे, फिश को ना हम आधे घंटे के बाद धो कर ना इसमें डिप करके हम डीप फ्राई करेंगे, और उसके बाद फिर हम चाट मसाला ऊपर लगा कर फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करके फिर आपको बताते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, अब हम बेसन का जो हमने बैटर तैयार करके रखा था इसमें हम फिश को डिप करके फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फिश को इस तरह लगा के थोड़ा सा इसका आपने उठा के फिश को थोड़ा सा बेसन को एक्स्ट्रा निकल जाए, हाँ एक्स्ट्रा निकल जाए, ये देखें। बिस्मिल्लाह। इसी तरह हम तमाम फिश को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह करके, ये ठीक है, ये देखें फिश हमने फ्राई कर ली है, दोनों तरफ से हमने पलट कर इसको फ्राई कर लिया है, और अच्छी तरह इसको कांटे से दबा के इस तरह करके ये देखिए गल गई, ठीक है। अब हम इसको डिश में निकालते हैं, डिश में इसको निकालने के बाद हम फिर इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को ज़रा दरमियाना था ना, इसको थोड़ा स्लो कर दें। बिस्मिल्लाह। चलिए ये उठा लेते हैं, ये देखें फ़िश हमने फ़्राई कर ली है, और कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है, सुरमई फ़िश है, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इमली की चटनी के साथ, और ये चाट मसाला छिड़क के आप खाएं। देखिए मैं एक मिनट आपको इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा तमाम पर चाट मसाला लगा देना है, लेकिन मैं आपको एक खा के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये आपने लिया, बिस्मिल्लाह, ये पीस लिया, देखिए कितनी ज़बरदस्त है ये चटनी। बहुत ही मज़े थी।
इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे तो बहुत मज़े की लगी। ये भी जो है ना मेरे साथ खड़ी हुई है, इसके भी मुंह में पानी आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ी सी चखा दूँ। ये मज़े दी है, ठीक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआ में याद रखना है। पंजाबी च मैं दसदा कि बेसन के बच्चे ना नमक नहीं जा पाना, लून लगा के ना एनू मच्छी रखता, किलो सारी मच्छी सी सुरमई मच्छी, तो लून ला के रखता 2 चमचे ना मैं लून पानी च पा के लगाया सी, ठीक है, रखता 1/2 घंटे बाद मैं धो ली सी। तो बेसन के बच्चे ना कुटी की मिर्च सी, जवैन सी, हल्दी सी, मिर्चा सन, जीरा सी, वह मिक्स करके तो बेसन के डिप करके तो फ्राई कर लो। इमली की चटनी थोड़े सामने मैं बनाई सी, इमली का गूदा 1.5 कप लैके वे लसन का पाउडर से थोड़ा सा पाया, हिंग पाउडर पाया सी, कुटी की मिर्च सी, जीरा सी, तो ऐसे ने नमक तो चीनी पा के ना चटनी बनाई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की खट्टी मिट्टी चटनी। तो चाट मसाला छिड़क के खाओ, इंजॉय करो, मैं दस जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।